सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, लर्न विद विपुल में आप सबका स्वागत है। जेआईबी पेपर 3 यानी लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, इसका 30 डेज स्ट्रेटजी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है। जेआईबी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के 30 डेज स्ट्रेटजी ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। इस वीडियो के एंड में आपको उन दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से देख सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे पेपर 3 के 30 डेज स्ट्रेटजी को। देखिए, ये पेपर जो आपका है ये हमेशा सबसे लास्ट पेपर होता है, इसलिए आपके पास एडिशनल बेनिफिट है कि आपके पास इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अभी एक महीने से भी ज्यादा समय है, लेकिन हम लोग इसको 30 डेज में ही कोशिश करते हैं कवर करने का। देखिए, पेपर आपको पेपर 1, 2, 3 तीनों पढ़ना है तो थोड़ा आपको टाइम मैनेज करना होगा, क्योंकि ऑन एन एवरेज आप देख रहे होंगे कि डेली तीनों पेपर्स में कम से कम आपको एक घंटा मिनिमम तो देना ही पड़ रहा है, यानी 3 घंटे तो आपके लगेंगे ही लगेंगे। और चूंकि एग्जाम में अब एक महीने से भी कम समय है, मान के चलिए लगभग एक महीना है, तो इसमें आपको तीनों पेपर्स को कैसे कवर करना है ये आप तीनों वीडियोस को देख करके समझ सकते हैं किस दिन आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहां से आपको समझने में भी इजी हो और वहां से क्वेश्चंस भी आते हो हर एग्जाम में, उनको हम लोग हमेशा ऊपर रखते हैं और धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको प्रेफरेंस दिया गया है, इसलिए उनको आगे रखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट के चैप्टर्स को आपको छोड़ना है, चूंकि आप अभी टाइम है तो आप सबको कवर करेंगे 30 डेज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डे 1, इसमें हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को, और इसमें मीनिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट को देखना होगा आपको। इसको आप हमारे YouTube पर जो वीडियो है, एक घंटे से ऊपर का एक वीडियो है, उसको अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो फिर आपको वहां पे सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का समझ में आ जाएगा, सारे केसेस वहां पे डिस्कस किए गए हैं। इसके बाद आते हैं डे 2, यहां आपको पढ़ना होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको हम लोग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। इसमें आपको इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब आपको कवर करना है। टाइम आपको जो दिया गया है मिनिमम आपको यहाँ 2 घंटे देना होगा तभी ये कंप्लीट होगा। है बहुत इंपॉर्टेंट और इजी टॉपिक्स ये। इनके भी वीडियोज आपको चैनल पर अवेलेबल हैं, इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, इनके वीडियोज अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं वहां से। चलिए अब बात करेंगे डे 3। डे 3 में आपको जो स्लॉट है ये आपको मिनिमम 2 घंटे यहां देना होगा, और इसमें हम लोग कवर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को। इसमें कंडीशंस एंड वारंटीज, अनपेड सेलर, ये सब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही कवर है, और इसी को मैकमिलन बुक में अलग अलग चैप्टर्स बना के वहां दिया हुआ है। ठीक है, इसको आपको डे 3 में कवर कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन के लिए, इसलिए ऊपर रखा गया है। फिर आते हैं डे 4, इसमें आपको द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को कवर करना है, जिसको कि बुक में अलग अलग चैप्टर्स बना करके दिया हुआ है, जैसे डेफिनेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ पार्टनरशिप, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स टू अनदर पार्टनर्स, फिर रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज, माइनर को एडमिट करना है नहीं करना है, पार्टनरशिप फॉर्म को कैसे डिसॉल्व करना है, अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, ये सब आपको अलग अलग चैप्टर्स बना के दिए गए हैं, लेकिन उसी को एक जगह पे पूरा बोला जा रहा है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए, इसके भी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से हेल्प ले सकते हैं। अब बात करेंगे डे 5 और 6, इसमें आपको कंपनीज एक्ट पूरा कवर करना है, 2 दिन आपको दिया गया है, मिनिमम स्लॉट जो है 1 घंटे आप देंगे तो कवर हो जाएगा। इसमें आपको देखना होगा डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ ए कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनीज, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, उसके बाद जो भी आपके मेंबरशिप है कंपनीज के, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, डायरेक्टर्स उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, उसके बाद डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, इंडोर मैनेजमेंट क्या है, ये सब आप बेसिक वहां देख सकते हैं, 2 दिन का टाइम आपको दिया गया है। डे 7 का अगर बात करें तो इसमें आपको देखना होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये फेमा इसको शॉर्ट में बोलते हैं, यहां आप 1 घंटे अगर देते हैं तो इजी वे में आपका कवर हो जाता है। डे 8 का अगर बात कर लें तो इसमें आपको द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है 2002, ये आपको देखना होगा, इसके लिए 1 घंटे आप देते हैं तो ये सफिशियंट है, डे 8 में इसको रखा गया है। डे 9 और 10 में अगर बात करें तो रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस मॉड्यूल ए, अगर आप मैकमिलन बुक को फॉलो कर रहे हैं तो मॉड्यूल ए को कवर करने के लिए आपको 2 दिन दिया गया है, और डेली 2 घंटे अगर आप देते हैं तो यहाँ पे 65 पेजेस के अराउंड इसमें है, और अप्रोक्स 82 पेजेस के आसपास इसमें होगा, तो आप उसको कवर करना होगा। देखिए, इसमें आप बोलेंगे सर 80 के अप्रोक्स पेजेस कैसे कवर होंगे 2 दिन में,
चूंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है, जैसे कि बैंकिंग का रेगुलेशन कैसे होता है, बैंक्स के ऊपर कंट्रोल किसका है, रेगुलेशन बैंकिंग बिजनेस का कैसे होता है, ये सब चीज को, तो एक तरह से बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है और इजी टॉपिक है, तो इसको इसलिए दो दिन में आप कवर कर लीजिए, सो दैट कि लास्ट में रिविजन के लिए बाकी सारे चैप्टर्स को आपको टाइम मिल जाए। चाहे तो आप बढ़ा सकते हैं, एक दिन इसमें और बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से दो आप इसको कवर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं डे 11। अब हम लोग आ जाते हैं केस लॉ ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग बैंक, यानी कि मॉड्यूल बी में हम लोग आ चुके हैं, ये आपको पढ़ना है डे 11। डे 12 में आपको पढ़ना होगा केस लॉ ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक। डे 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज। आप देख रहे होंगे हम लोग मॉड्यूल बी के अंदर हैं अभी। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं डे 14 एंड 15। यहां आपको यहां भी एक एक घंटे का स्लॉट देना है, इंडेमनिटी, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट। डे 16 17 में डिफर्ड पेमेंट गारंटी, लॉज रिलेटिंग टू बिल्स ऑफ बिल्स बिल फाइनेंस, एंड उसके बाद है वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। ये हो गया डे 16 एंड 17। डे 18 19 यहां भी दो दिन दिया गया है। डे 18 19 इसमें भी एक घंटे देना होगा। यहां आपको लॉ रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज एंड मोड्स ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्जेस, जो डिफरेंट टाइप के चार्जेस हैं उनका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, ये सब आपको डे 18 और 19 में कवर कर लेना है। इसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट जिसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सरफेसी एक्ट। इसके लिए आपको तीन दिन का टाइम दिया जा रहा है और इसको मॉड्यूल सी में रखा गया है। शुरू के आप देख रहे होंगे चैप्टर 19 से लेकर के चैप्टर 25 तक इसी के प्रोविजंस के बारे में डील किया गया है, इसलिए आपको इसको कवर करने के लिए हम लोग तीन दिन सजेस्ट करते हैं, डे 20, डे 21, डे 22। कोशिश कीजिएगा सरफेस चेक को पहले ना करें, पहले जैसे आपको इस सीक्वेंस बताया गया वैसे ही फॉलो कीजिए, ठीक है? तो तीन दिन आप देंगे सरफेस चेक को। इसके बाद आइए डे 23। इसमें देखिए दो एक्ट को हम लोगों ने रखा है, द बैंकिंग ऑम्बड्समैन स्कीम और डीआरटी एक्ट। देख रहे होंगे आप बैंकिंग ऑम्बड्समैन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में भी पढ़ा गया है, इसलिए ये थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए यहाँ पे, इसीलिए डीआरटी एक्ट को भी हम लोग एक ही डे में कवर करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी रिपीटेशन हो रहा है, बैंकिंग ऑम्बड्समैन आपने प्रिंसिपल्स में पढ़ा होगा। चलिए डे 14 यहाँ पे देखिए द बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट, छोटा सा एक्ट है, इसको आप कवर कर लीजिएगा। इसमें आप चाहें तो यहाँ पे दो घंटे की जगह एक घंटा भी दे सकते हैं इसको, ये आपके ऊपर है यहाँ पे, लेकिन दो घंटा दे दिया गया है, आप चाहें तो, अब आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको आप दो घंटा रखिए। चलिए आगे आते हैं लोक अदालत के बारे में, आप सभी रूबरू होंगे इसे, ये डे 25, इसको आपको एक घंटे के लिए स्लॉट दिया गया है, इसमें आप कवर कीजिए। डे 26 में अगर आते हैं तो डेढ़ घंटे देना होगा, टैक्स लॉज के बारे में इसमें बताया गया है, इनकम टैक्स, कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सर्विस टैक्स, ये सब आपको कवर करना होगा। डे 27 द लॉ ऑफ लिमिटेशन, इसको आपको कवर करना है, एक घंटे का स्लॉट आपको दिया गया है। डे 28 द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और सरसाई के बारे में आपको कवर करना होगा, और इसमें आपको दो घंटे कम से कम देने होंगे, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका 1986 का है और सरसाई, ये आप कवर करेंगे इसमें। डे 29 एंड डे 30, दो दिन में आपको चार अलग अलग एक्ट्स पढ़ने हैं, एक्ट्स बहुत बड़े नहीं है, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं दो दिन में, और दो घंटे का अगर स्लॉट देते हैं तो इजी वे में कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसका ही है डेट है, इंफॉर्मेशन आईटी एक्ट 2000 इसको शॉर्ट में बोलते हैं। ये चार एक्ट आपको लास्ट के दो दिन में कवर करना है, दो दो दिन टाइम देके। तो यहां अगर आप देख रहे हैं इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करते हैं तो 30 दिन में भी आप लीगल पेपर को अच्छे से कवर कर सकते हैं, और चूंकि अभी लीगल पेपर जो आपका होगा ये हर बार आप देख रहे होंगे लास्ट में होता है, तो एग्जाम से एग्जाम के बीच में जो 5-6 दिन का गैप है उसमें आप आराम से रिवाइज कर रहे होंगे, इसलिए अभी 30 डेज में इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। आज के डिस्कशन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लर्न विद विपुल को और बेल आइकॉन दबाएं हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।